अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सहयोग से जैव विविधता संरक्षण और जीविकोपार्जन के मुद्दे पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को DDC शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान से डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव और जिला परिषद सदस्य राम कुमार राउत मौजूद थे। DDC श्री मेहरा ने कहा कि गांवों में मड़ुआ बाजरा जैसे खाद्य पदार्थ की पैदावार विलुप्त हो रही है और इसका महत्व बढ़ रहा है। ऐसे फसलों को पैदावार करने से रोजगार बढ़ेगा और बढ़िया आमदनी का साधन बन सकता है। प्रशिक्षण के समापन में उपस्थित किसानों को कहा डॉक्टर शशि भूषण चौधरी ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण और जीविकोपार्जन कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्तर पर अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों बंधुओं को जीविकोपार्जन के क्षेत्र में नए अवसरों को तलाशने में मदद की जाएगी। सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आयोजित है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के किसान भाइयों, माता और बहनों के लिए जैव विविधता संरक्षण और जीविकोपार्जन के मुद्दे पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए किसानों को प्रमाण पत्र व स्प्रे मशीन दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में अभिव्यक्ति फाउंडेशन से मनोज डॉन, विनोद कुमार, संजीव कुमार रॉय, अमित कुमार मौजूद थे। जीविकोपार्जन एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर इस विषय पर हमारे शशि भूषण चौधरी जी उन्होंने प्रशिक्षण शिविर किसानों के साथ किया है, किसानों को जागरूक किया है किस तरह से बायोडायवर्सिटी को बचाने से ही मानवता बचेगी और इनकम का एक अच्छा साधन होगा। पुराने बीज, पुराने किस्म के बीज, पुराने किस्म के जो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही तरह से साइंटिफिक अप्रोच के जरिए इस क्षेत्र में जो चीज़ें होती थी, जो पैदावार होती थी, उसको पुनः पुनर्जीवित करना जरूरी है तभी। और फिर उसका मार्केटिंग यदि हम बढ़िया ढंग से करें, जैसे मड़ुआ आज के किसी में मॉल में यदि आप खरीदने जाएं तो 80-90 रुपए केजी उसका आटा मिलता है, और यदि हम बाज़ार में स्थानीय बाज़ार में देखें 10-20 रुपए किलो यहाँ पर बिकता है। उसको खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई खरीदता भी नहीं। उसके महत्व को समझना और फिर उसको बाज़ार तक पहुँचाना, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इस यहाँ के लोग ऐसे प्रशिक्षण जो प्राप्त किए, ऐसे किसानों को क्या कुछ लाभ या कुछ सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा? सरकार द्वारा सहायता हमेशा दी जाती है, दी जाती रहेगी, लेकिन लोगों को स्वयं इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता एक कहता है ना कि इंटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, तो विजिलेंस जब तक नहीं रहेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा पूर्व में, हम लोग जब बच्चे थे तो यहाँ पर साठी की खेती बहुत होती थी, धीरे धीरे वो खत्म हो गया, लेकिन साठी की मांग बहुत ज़्यादा है बाजार में, क्योंकि वो चीज़ जब खत्म हो गई उसके बीच में, तो जैव विविधता पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ें जो थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो विलुप्त हो गई, उसको फिर से उसको रिवाइव करना जी है। और इस जमीन पर कौन अनुकूलता किस चीज़ की हो सकती है, जो कम पानी में हो, पठारी जमीन है, पथरीली जमीन है, इस जमीन में कैसी खेती की जा सकती है, इसके बारे में हमारे भूषण जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। और इस तरह के शिविर, इस तरह की सभा, इस तरह की कार्यशाला हमारे यहाँ और हो और किसानों को जागरूक किया जाए, मैं समझता हूँ कि अनेक तरह से फायदे मिलेंगे।